Hey guys, this is Shushankar. Welcome you on my YouTube channel, Study with the Master. Here I am going to teach you the narration of class 9, 10th and 11th, 12th. So you can easily understand that this is narration. Narration means direct and indirect speeches. Direct and indirect speeches. So the exact meaning of narration is direct and indirect speeches. Or you can say that narration means statement. You can say that narration means statement. आप कह सकते हैं कि narration का अर्थ कथन होता है. कथन. कथन होता है किसका अर्थ? Narration का. And they are of two types. और वे दो प्रकार के हैं. They are first narration के अंतर्गत हम direct narration या direct speech या indirect speech पढ़ते हैं. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, इसी को कहते हैं नरेशन. सो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के व्यक्त कर दे तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. व्हेन अ पर्सन विदाउट डूइंग चेंजेस इन द स्टेटमेंट ऑफ अ मैन एक्सप्रेस दैट विदाउट चेंजेस दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन. उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं. जैसे राम सेज, राम कहता है आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ. सो इसमें कह सकते हैं कि सेज रिपोर्टिंग वर्ब है और इसका रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर दिया हुआ कथन है. इसी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के रूप में परिवर्तन किया जाता है. टेंस नहीं, इसके रूप में, इसके फॉर्म में परिवर्तन किया जाता है. टेंस टेंस वही रहता है. सो हम कह सकते हैं कि यह सेज रिपोर्टिंग वर्ब है और यह रिपोर्टेड स्पीच. क्यों ऐसा इसको जानना जरूरी है? क्योंकि जब हम आगे कथन कहेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में ऐसा परिवर्तन होगा तो आप जान जाएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया. और रिपोर्टिंग वर्ब का क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब वह जो फर्स्ट कथन में होता है, अर्थात जब वाक्य शुरू होता है तो उसका रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब. अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित अब हम देखते हैं आगे. अब देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या अंतर है. इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कथन को आगे अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन कर प्रस्तुत करे तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. व्हेन अ स्पीकर डू चेंजेस अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ इन द गिवन स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है. जैसे राम सेज, वही कथन था जो राम सेज का इन्वर्टेड कामा आई वर्क हार्ड में अब हो जाएगा. राम सेज, राम कहता है दैट की ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है. सो इसमें हमने परिवर्तन देखा कि सेज के बाद दैट का प्रयोग कर दिए और आई के स्थान पे ही का प्रयोग कर दिए. टेंस में के रूप में परिवर्तन हुआ और वह रूप क्या है कि ही के अनुसार किसका प्रयोग हुआ, वर्क्स का. और इसके टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका रूप बदला है. क्यों? क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्क भी सिंगुलर है. जब किसी वर्ब में हम एस या एस लगाते हैं तो वह सिंगुलर वर्ब बनती है, ये भी सिंगुलर है. तो राम से राम कहता है दैट की ही वर्क्स हार्ड, कि उसका रिपोर्टेड स्पीच है ये इसका. और उस कथन जो पहले हम पढ़े क्या था, राम सेज आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ का क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना हुआ वाक्य है. सो इसमें हम कह सकते हैं कि राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड एक इनडायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि इसको हम अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं एसर्टिव सेंटेंस. एसर्टिव सेंटेंस जानने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन टू यू, मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है. हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर, सेंटेंस कितने प्रकार के हैं.
सो बिफोर सेइंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले यू शुड आस्क मी अ क्वेश्चन, आपको मुझसे एक प्रश्न करना चाहिए, दैट इज वह है हाउ, हाउ मीन्स कैसे, अकॉर्डिंग टू मीनिंग आर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, कैसे संरचना के अनुसार या अर्थ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आर अकॉर्डिंग टू मीनिंग, संरचना के अनुसार या अर्थ के अनुसार, यू शुड डू क्वेश्चन टू मी, आपको ऐसा मुझसे प्रश्न करना चाहिए, यू शुड आस्क मी क्वेश्चन लाइक दिस, मुझसे आपसे आपको ऐसा मुझसे प्रश्न करना चाहिए, सो आई मस्ट टेल दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम टेलिंग यू देर आर थ्री सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, संरचना के अनुसार तीन वाक्य हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आश्रित वाक्य या कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य, सो इन दिस वे वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देर आर जस्ट थ्री सेंटेंसेस, केवल तीन वाक्य हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बट अकॉर्डिंग टू मीनिंग, लेकिन अर्थ के अनुसार देर आर फाइव सेंटेंसेस, पांच वाक्य हैं, जिसमें कह सकते हैं assertive sentence, assertive means साधारण वाक्य या कथन करने वाला वाक्य या assert करने वाला स्वीकारात्मक वाक्य, assertive sentence मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, अब इसके बाद हम कह सकते हैं interrogative sentence या प्रश्नवाचक वाक्य, इसके बाद imperative sentence या imperative sentence हम कह सकते हैं आदेशात्मक वाक्य, और इसके बाद कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस प्रार्थनार्थक वाक्य, या फिर उसके बाद कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी विस्मय बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग देयर आर फाइव सेंटेंसेस, अर्थ के अनुसार पांच वाक्य होते हैं, सो लेट अस स्टडी द फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू मीनिंग, एंड लेट मी टेल यू, मुझे आपको बताना चाहिए कि द सेंटेंसेस वे वाक्य दोज आर अकॉर्डिंग टू मीनिंग, जो अर्थ के अनुसार हैं, वी फील चेंजेस अमंग्स देम, हम उन्हीं में परिवर्तन करते हैं टू मेक इनडायरेक्ट स्पेस बनाने के लिए, सो डियर द फर्स्ट वन इज assertive सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य, assert मीन स्वीकार करना भी होता है, सो कह सकते हैं ही सेज, वह कहता है I work hard, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, यह है डायरेक्ट स्पीच, अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनता है he says that he works hard, यह है इनडायरेक्ट स्पीच, तो हमने जो जो परिवर्तन किए हैं उसमें उसको हम देख लेते हैं, कौन है assertive सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, अब इस नियमों में हम देखते हैं, सबसे पहला नियम है कामा या एवं इन्वर्टेड कामा को हटाएं और कंजंक्शन दैट का प्रयोग करें, जैसा कि मैंने यहाँ किया हुआ है, अब इसमें कहते हैं प्रोनाउन नीचे दिए गए नियमानुसार परिवर्तित करें, प्रोनाउन नीचे दिए गए नियमानुसार परिवर्तित करें, तो सन बटे 123 नियम है, और यह नियम यह कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो आई है रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट ही है, एक अनुसार ही हो जाएगा, तो इसलिए ये कथन सत्य है, अब हम कह सकते हैं अगर यह सेकेंड पर्सन आए, यदि यू आए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यू आए, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जैसे हो उसके अनुसार ये बदलेगा, अभी आगे हम व्यक्त करेंगे, और यदि ही सी इट दे हो तो अर्थात थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, इसमें नो चेंजिंग अर्थात कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, सो एग्जाम्पली वी कैन सी दिस, इट इज गिवन हियर, ही सेज वह कहता है आई वर्क हार्ड, ही सेज वह कहता है आई वर्क हार्ड,
मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, इसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सनबट 123 से ही कहता है ना कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है? ही है, ही के अनुसार ही हो जाएगा, क्योंकि ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ही सब्जेक्टिव केस है, न कि ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो ही सब्जेक्टिव केस है, तो ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है दैट कि यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करते हो। तो इसका हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसको हम बताते हैं, इसका बनेगा सेज टू का, सेज टू का क्या बन जाएगा, सेज टू का बच्चा बन जाएगा ही टेल्स, टेल्स सेज टू मी, सेज टू का टेल्स बनेगा और ही टेल्स मी, वो मुझसे कहता है दैट की आई, यू का आई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अनुसार यू किस में बदलेगा, आई में, आई वर्क हार्ड। अब इस तरह हो गया। अब थर्ड पर्सन का देख लेते हैं, ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है सी वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करती है, तो ही टेल्स मी, वो मुझसे कहती है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसमें कोई किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होगा, तो कह सकते हैं ही टेल्स मी दैट सी वर्क्स हार्ड, वो मुझसे कहती है कि वो कठिन परिश्रम करती है। अब देखते हैं से और सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में यथावत रहने दें, से और सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में यथावत रहने दें, लेकिन से टू को टेल और सेड टू को टोल्ड में बदलें, टोल्ड में बदलें। जैसे ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करते हो, तो इसका हो जाएगा ही टेल्स मी, वो मुझसे कहता है दैट की आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। ही टेल्स मी, वो मुझसे कहता है दैट की आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। अब सेज टू को टेल्स में बदल दिए, अब यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है तो यू मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई में हो जाएगा, इसलिए आई वर्क हार्ड। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड दिस, वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट व्हाट इज देयर, we are going to study and this is given here, tell or told, tell or told, tell or told के बाद to का प्रयोग नहीं किया जाता है, tell or told के बाद to का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि tell said to या says to को tells में बदलते हैं, अर्थात to वाल फिर बचा ही नहीं, तो कहाँ से प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों मिला के अठन्नी अठन्नी मिला के अर्थात 50-50 पैसे मिलकर एक रुपया बने, तो एक 50 पैसा से है और एक 50 पैसा टू है, दोनों को मिलाकर टेल बना दिया गया, एक रुपया बन गया, तो कह सकते हैं टेल और टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। टेल और टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट होता है तभी टेल सेट को टोल्ड में बदलते हैं और से को टेल में बदलते हैं। इसी प्रकार ऑर्डर्ड आदेश, रिक्वेस्टेड प्रार्थना, फॉरबिड मना करना इत्यादि के बाद भी एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए। अब अगला देखते हैं नियम, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है अथवा फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। इसीलिए सेज टू था तो वहाँ पे हमने लिखा था क्या, वही नियम, वही टेंस वही था, उसमें परिवर्तन नहीं किया गया था। आप पीछे बैक जाकर देख सकते हैं। ही सेज, वो कहता है आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ, तो ही सेज, वो कहता है दैट कि ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है। अब आई ही के अनुसार ही में बदल गया, क्यों, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ही हो गया। अब कम्स इसलिए हुआ कि ही आई प्लूरल था तो प्लूरल वर्ब थी,
अब आई सिंगुलर यहां हो गया, ही हो गया, तो सिंगुलर वर्ब कम्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी वर्ब में यस या यस लगाने से वर्ब सिंगुलर बन जाती है। अब हम देखते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ इडियम या फ्रेज या हैबिचुअल एक्शन हो अथवा हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसको एक बार और देख लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य हो, इडियम मुहावरा हो, फ्रेज हो, वाक्यांश हो, या हैबिचुअल एक्शन हो, आदती कार्य हो, अथवा हिस्टोरिकल फैक्ट हो या ऐतिहासिक तथ्य हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो। तो देखते हैं, इससे पास्ट टेंस है, तब द सन इज अ स्टार जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर का प्रयोग वाला है, जिसमें हम देखते हैं यह है यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य। द सन इज अ स्टार, सूर्य एक तारा है, सार्वभौमिक सत्य है, इसमें किसी प्रकार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट द सन इज अ स्टार, उसने कहा कि सूर्य क्या है? एक तारा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सॉरी पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का इडियम फ्रेज इत्यादि नहीं हो, अगर न हो इडियम फ्रेज और कोई यूनिवर्सल ट्रूथ न हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। अब उस परिवर्तनों को देख लेते हैं। ही सेड, उसने कहा, आई केम हियर यस्टरडे, मैं यहाँ पिछले दिन आया या पिछले बीते दिन आया। ही सेड, उसने कहा, दैट की ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे। अब इसमें हमने देखा कि हियर का देयर हो गया, क्योंकि नियर शब्द दिखाने वाले शब्दों को हम स्थान का शो करने वाले शब्दों में परिवर्तन करते हैं, समय दिखाने वाले शब्दों में परिवर्तन होता है। यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो गया, और केम का ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इस पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट हो गया। तो अब हम इसको जानने के लिए कैसे हो गया टेंस में परिवर्तन, हम देख लेते हैं। चेंज इन टेंस, टेंस में परिवर्तन, चेंज इन टेंस, टेंस में परिवर्तन देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल पास्ट में परिवर्तित करते हैं। अगर सिंपल पास्ट दिया है तो पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित हो जाता है, अगर पास्ट परफेक्ट दिया है तो नो चेंज, क्योंकि इससे बड़ा कोई है ही नहीं। अब हम देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, अर्थात इज एम आर का प्रयोग किया है तो वाज वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अर्थात हैड बीन का प्रयोग हो जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है तो नो चेंज, क्योंकि इससे बड़ा है ही नहीं। अब प्रेजेंट परफेक्ट दिया हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हो, हैज और हैव वाला दिया हो, तो है पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है, जिसमें हैड का प्रयोग करते हैं। अगर ये दोनों दिए हैं, हैड पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो नो चेंज, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात इन दिस वे वी कुड नो द चेंज इन टेंस, इस तरीके से हम जान सकते हैं कि चेंस में किस प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चेंज में, चेंज ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स में परिवर्तन, मॉडल्स में परिवर्तन कैसे करते हैं। सैल विल, सैल का सूद, विल का उर हो जाता है, बे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, आर टू वही रहता है, आर टू वही रहता है, और कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, सैल विल का सूद उर हो जाता है। चेंज इन टाइम एंड प्लेस, समय और स्थान में परिवर्तन, टुडे टाइम दिखा रहा है को दैट डे बदलते हैं, टुमारो टाइम दिखा रहा है द नेक्स्ट डे बदलते हैं, यस्टरडे टाइम दिखा रहा है द प्रीवियस डे में बदलते हैं,
या द डे बिफोर में बदलते हैं, टुनाइट फाइन दिखा रहा है, दैट नाइट बदलते हैं, लास्ट दिखा रहा है द प्रीवियस हो जाता है, हियर दिखा रहा है स्थान तो ये हो जाएगा देयर हो जाएगा, दिस दिखा रहा है प्रोनाउन ये हो जाएगा दैट में, दिस दिखा रहा है तो दोज में हो जाएगा, एगो दिखा रहा है बिफोर हो जाएगा, नाउ दिखा रहा है तो देन हो जाएगा। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको जानना बहुत जरूरी है। अब हम देख लेते हैं कि इनका प्रयोग करके कैसे वाक्यों को बनाया गया है। उससे पहले हमको स्क्रॉल करना है, आई हैव टू स्क्रॉल इट एंड गो बैक देन स्क्रॉल इट अप एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन विच आर गिवन हियर। सो डियर, आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन विच आर गिवन हियर एंड यू हैव टू सॉल्व विद मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चेंजेस ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सो डियर, द फर्स्ट वन इज सी सेड, वो कहती है, क्या कहती है, सी सेड वो कही, सी सेड सॉरी वो कही, क्या कही, आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, मैं तुम्हारी इस वक्त मदद नहीं कर सकती हूँ। अब यह सेड पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस होने के कारण रिपोर्टेड इस बीच के टेंस में परिवर्तन कर देंगे तो कैन का कुड हो जाएगा, तो और इन्वर्टेड का माटा कर दैट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जैसे सन बटे 123, यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी है तो सी के अनुसार सी हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के सी ही होती है। सी सेड दैट सी कुड नॉट हेल्प। अब यू है, यू सेकेंड पर्सन का है और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, इसको सी का मी आई है तो आई के अनुसार हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी ही तो मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू का मी में परिवर्तन हो जाएगा। एट दैट टाइम, दिस टाइम का नज़दीक दिखाने वाले शब्द का दूर दिखाने वाले शब्द से नाता हो जाता है, तो दूर दिखाने वाले शब्द का प्रयोग कर दिए, दैट टाइम। नेक्स्ट है ही सेड टू मी, वो मुझसे कहा, क्या कहा, आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा, तो इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी, वो मुझसे कहा दैट कि ही वुड कम टू मीट मी द नेक्स्ट डे। अब इसमें हम देखते हैं सेड टू है, सेड टू दोनों को मिलाकर टोल्ड में बदलेंगे, आठ आना आठ आना, या पचास से पचास से एक रुपया में हो गया। अब मी, अब दैट, दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि इन्वर्टेड कामा और कामा हटा देंगे। अब यहाँ पे दैट ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन है, या सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा ही, और ही के यहाँ सेल दिया है तो सूड होना चाहिए, पर ही के अनुसार सूड का प्रयोग न होकर उड का प्रयोग होता है तो उड हो जाएगा। कम टू मीट मी, यू का ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो मी का मी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस आई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होगा, मी होगा। मीट मी द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे होता है, कोई भी कर सकते हैं दोनों में से। नेक्स्ट है राम से, राम ने कहा आई हैव नॉट टेकन एनी एग्जाम, मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया है दिस ईयर इस वर्ष, बट लेकिन आई इंटेंड, मैं अग्रसित हूँ टू टेक टू एग्जाम्स, मैं अग्रसर हूँ टू टेक टू एग्जाम, दो एग्जाम देने के लिए द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष। अब इसका कब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, राम से, राम ने कहा दैट की, अब आई है तो ही हो जाएगा राम के अनुसार, ही हैड नॉट, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, तो ही हैड नॉट टेकन इन एग्जाम, कोई परीक्षा नहीं दिया है, दैट दिस का दैट हो जाएगा दैट ईयर, बट लेकिन ही इंटेंडेड, वो प्रेजेंट इन आई इंटेंड टू टेक टू, यह इनडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, तो इनडेफिनिट का पास्ट इनडेफिनिट हो जाएगा, ही इंटेंडेड टू टेक टू एग्जाम्स द नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट ईयर में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि द नेक्स्ट ईयर ऑलरेडी दिया हुआ है, द नेक्स्ट ईयर या द फॉलोइंग ईयर हो सकता है। अब कह सकते हैं
He said, उसने कहा, virtue is its own reward. Virtue गुण का या अपना स्वयं का पुरस्कार है. गुण का अपना स्वयं का पुरस्कार है. कौन सा गुण? Virtue means गुण. कैसा गुण? वो सभ्य समाज से संबंधित गुण. तो virtue is its own reward. गुण का अपना स्वयं का पुरस्कार है. तो इस फ्रेज को हम परिवर्तित नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि फ्रेज में परिवर्तन नहीं होता. idiom फ्रेज में परिवर्तन नहीं होता. तो कह सकते हैं, he said, भले ये past tense है, he said that virtue is its own reward. ये उसी तरह लिख दिया जाएगा. Next है, our teacher said, हमारे अध्यापक ने कहा, we have to finish this work. हमें इस कार्य को समाप्त करना है. Today, आज ही. आज जैसा कि we know, हम जानते हैं, that tomorrow never comes. कल कभी नहीं आता है. तो our teacher said, हमारे अध्यापक ने कहा, अब that said के बाद to नहीं है, इसलिए यहाँ पे that said ही रहने देंगे. और इन्वर्टेड कमा लगाकर that लिखेंगे. फिर क्या करेंगे? वी लिखेंगे, क्योंकि वी में परिवर्तन नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि यह इसका सब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो वी का वी ही हो जाएगा. हैड अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है. हैड टू का प्रयोग का टेंस है. तो हैड टू जिसमें पड़ता है, वी हैड टू फिनिश, हमें काम समाप्त करना पड़ता है. इसका वाक्य दे रहा है, तो हैव का हैड हो जाएगा. हैड टू, वी हैव टू फिनिश हमें समाप्त करना पड़ता था. दैट की दैट वर्क उस कार्य को, दैट डे उस दिन, एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं, दैट की टुमारो नेवर कम्स कल कभी नहीं आता है. सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड सेवरल क्वेश्चंस एंड वी कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल क्वेश्चन वेरी इजली. सो डियर विद दीज वर्ड्स आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो. But before that, I'm telling you, please like, share and subscribe my video and do comment there. And please share this video amongst your friends so that they can get benefits. And this is video made for all examination in which there is ask narration. So dear, with these words, I'm going to end my video. Thank you very much.